कैसे हो? आज हमारे पास एक बाइक आई है स्प्लेंडर प्लस, इसमें हमें स्टार्ट करके दिखाते हैं इसका इंजन आवाज कर रहा है। आप आवाज सुन रहे हो? ये गाड़ी धुआं भी मार रही है, ये देख रहे हो। खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या सामान चलेगा इसके अंदर। पहले इसका टूल बॉक्स खोलेंगे। इसके अंदर 10 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं, ये नीचे देख रहे हो। तो ये देख रहे हो हमारे भाई ने खोल दिया, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हो ये खोल रहा है। अब इसमें देखते हैं निकला भी है, बंदे ने अभी सर्विस कराई थी थोड़े टाइम पहले, थोड़ा साफ है। 10 नंबर के बोल्ट से हम साइलेंसर खोल लेंगे इसका, इधर से 12 नंबर का लगता है। ये हमारा साइलेंसर बाहर निकाल दिया। गार्ड का बोल्ट खोलेंगे 12 नंबर का। अभी हमने नट खोल लिया, अभी वाला नट खोलेंगे हम इसका, इसका नट खोलेंगे। ये 10 नंबर का, 10 नंबर के ये नट लगते हैं, ये खोल लेते हैं। और 10 नंबर का इधर बोल्ट लगा हुआ है, इसकी सहायता से हम खोल लें, यहाँ पेचकस लगा लेते हैं। ये देख लो इसकी सहायता हम ये कर लेते हैं। इसके टाइमिंग 8 नंबर के बोल्ट खोल ले रहे हैं। खोलो क्या हो गया? अरे ये वाला पुट नहीं, तो सारे इधर को चल जाते हैं, जाते नहीं जाते। अब हम इसके सिलेंडर फिट निकालेंगे। खोल लिया है अनुराग, क्या बना रहा है? डालता हूँ, क्लियर वीडियो आ रही है। फिर इसे खोलेंगे पेचकस की मदद से। ये पेचकस की मदद से हम खोल रहे हैं इसे नट को। अभी इसका हम प्लेट को निकालेंगे। ऑयल का डब्बा इधर रख लेते हैं ताकि ऑयल निकलेगा इसके अंदर से। हमेशा यहाँ से निकालनी चाहिए, बंदे ने इस पर चोट मार रखी है। ये हम नट खोल लेते हैं। इस पर ये नट खराब हो चुका है, हम इसे छीने से खोलेंगे नट। अरे इसका क्लच पूरा बाहर निकालें। क्लच निकाल लिया है, वही हमारे लॉक हैं, वार्सल हमारी। ये हमारी ये प्लेटें खराब हो चुकी हैं, इसे हम नवी डालेंगे। देख रहे हो ये प्लेटें खराब हो गई हैं, ये हार्ड हो के खराब हो जाती हैं। अब हम इसका पोस्ट भी निकाल लेते हैं। ये गाड़ी हमने चेक करनी है, कोई दंदे खराब तो नहीं है इसमें, हमारे दंदे एकदम सही पड़े हैं। अगर ख़राब हो तो नबी डाल देनी चाहिए, इससे क्या गेयर गुर पड़ने में दिक्कत करती है गाड़ी, इससे आवाज़ भी आती है थोड़ा बहुत। खोलते हैं हमें गाड़ी जिसका, ये कौन सा कूलर इसमें खोल लिया। अब हम इसके पेचकस वाले नट खोलेंगे इधर से, इधर ये खोलेंगे यहाँ से नट खोल लिया 10 पेचकस वाले, पूरे बाल निकालेंगे फिर दिखाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। क्या ब्रेक पेचकस से मदद से हम इसका लॉक निकालेंगे, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है इसका। ये
ये हमने इसका लॉक निकाल लिया, अब हम इसका क्रैंक चेक करेंगे। ये देख रहे हो गाइज, इसमें ये प्ले नहीं रहनी चाहिए ये वाली, ये देख रहे हो। और ये साइड प्ले थोड़ी बहुत चल जाती है तो बहुत ज़्यादा है, और ये देख रहे हो इसमें ये प्ले नहीं होनी चाहिए। अब इसका हम पूरा इंजन खोलेंगे और हम इसका साइड वाला क्लच खोलते हैं, मदद से गोटी की मदद से हम 8 नंबर के बोल्ट खोल लेते हैं। सारे 8 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं इसमें, 8-9 बोल्ट लगे हुए हैं वो खोल लेते हैं, फिर हम इसका क्लच खोल के दिखाएंगे। अच्छे से कौन सी करा रही, करे जाते हैं इसकी हम पिने निकालेंगे गियर पर, गियर की निकाल लेंगे, हमेशा इसे संभाल के रखना चाहिए, इसे निकाल लेना। ये छोटी छोटी पिने होती हैं, इसे हमें संभाल के रखना चाहिए। और इसका हम गए थोड़ा सा फिल्टर निकालना चाहिए इसका, ये देख रहे हो ये बिल्कुल साफ पड़ा है। प्लेट को हम निकालेंगे, यहाँ से न्यूट्रल पत्ती की तार निकाल लेते हैं, वो उधर से तार निकालिए, निकाल देते ना। हाँ ये हम इसकी देख रहे हो, ये छोटा रोलर होता है, इसकी टाइमिंग चेन निकाल लेते हैं हम इसकी। ये खोल रहे हैं 14 नंबर का नट खोलेंगे हम यहाँ से, मेरा खेत में पानी से क्या खोल लो। ये देख रहे हो इसके अंदर इतना ये छोटा सामान होता है। अभी हमें ये रबड़ भी नवी पानी पड़ेगी क्योंकि एक सारी कट चुकी है। अब इसका हम इंजन उतारेंगे, ये चेन गियर भी खोल लेते हैं, उधर से ब्रेक दबा। अभी हम ये भी खोल लेते हैं, साबुत के नट है इस कारण हमें खोलने पड़ते हैं ये जब भी इंजन करो तब खोलना पड़ता है ये सब। प्लेट निकाल लिया, ये देख लो गरारी भी खराब हो चुकी है। ये बंदे ने कस्टमर ने दलवानी या नहीं दलवानी बाकी उसकी मर्जी, अब ये देखते हैं। बस बाहर निकाल चुके हैं, अब हम इसके सारे नट खोलेंगे, पूरा इंजन खुल जाएगा हमारा। ये हमारा लॉक है, ये हमें ब्रेक पेज इसके लॉक की मदद से, लॉक प्लास की मदद से हमने इसकी मदद से हमने निकाल लिया है। अब इसका हम लॉक निकाल लेते हैं, ये हमने सारा निकाल लेंगे इसका। ये 8 नंबर के जितने भी बोल्ट हैं ये सारे खुलेंगे इसके, बोल्ट खोल रहे हैं। जब नट खोली जाए तभी हमने इंजन बाहर निकालना चाहिए, अगर नहीं खुलेगा तो इंजन इसका जो चैम्बर है वो बाहर नहीं निकलेगा। हमने ये चैम्बर निकाल रहे हैं इसका, हमारे जो बैरिंग है ये बैरिंग इसी के साथ आ गया इसके अंदर। अब इसके बाद ये क्रैंक है, ये हम निकाल देते हैं, और ये क्रैंक देख रहे ये प्ले है इसमें, तभी इंजन खोलना पड़ा इसका। ये प्ले नहीं होनी चाहिए, साइड प्ले होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, तब ने इसका इंजन खोल लिया है। और ये हमारा ये गियर बक्सा है, ये आप देख रहे हो गियर बक्सा, इसे बाहर निकाल देना चाहिए। अब हमने इसका पूरा इंजन खोल चुके हैं, तो ये हमने सारा जब फिटिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे, सारा धो धू के दिखाएंगे आपको। इसके जो क्रैंक है, इसमें जो क्रैंक सेट है वो डलेगा इसके अंदर,
ये रिपेयर नहीं होगी, इसका क्रैंक सेट ये पूरा नवा डलेगा। और जो इसके वाल्व वोल दिखा देते हैं आपको गाइस, हमारे भाई ने ये हेड खोल चुका है और ये हमारे इसके वाल हैं, तो वाल हम नवे डालेंगे। और ये हमारा छोटा वाल है और जो इसका सामान है ये लिख रहे हैं, देख रहे हो आप पिस्टन है इसका 75 नंबर पिस्टन लिख रहे हैं। और इसमें ये किट है, ये सिलेंडर किट, देखते हैं हम कस्टमर से बात करके हम इसमें नहीं डालेंगे। इसका ये बोर देख रहे हो आप, ये बड़ा हो चुका है बहुत। आप हम इसमें पिस्टन डालते हैं और जो इसकी आवाज़ देख रहे हो क्रैंक है, ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए जब हम हाथ मारते हैं ऐसे करके। ये हमारा गियर बॉक्स है और ये हमारा चैम्बर है। ये देख रहे हो सारे नट बोल्ट आ गए इधर। ये हमारा हेड है, जो हमारी जो किट है वो नवी डाल रहे हैं हम। ये सारा पार्ट है हमारा, ये हमारी सिलेंडर किट आ गई, ये हमारी किट है। ये हमारी नई किट आ गई और ये आ गया हमारा पिस्टन, ये पिस्टन आ गया। जब हम फिट करेंगे आपको फिर दिखाते हैं। ये हमारा पिस्टन आ गया, लॉक आ गया। अब हम इसे फिट करने जा रहे हैं गाड़ी को, तो ये हमारे आ गया गियर बॉक्स आ गया। ये हमारा जो हमारा जो ये है, ये क्यों है, ये बैरिंग हमारा चैम्बर से बाहर निकल चुका है। क्रैंक में जो आवाज आ रही थी वो ये देख रहे हैं, ये हमारी पूरी रोड है ना, ये चीज पूरी नवी आ गई है और ये हमने नवी डाल चुके हैं, इसे रिपेयर करानी पड़ती है। ये हमने क्रैंक सेट बोलते थे, इसे हमने नवी डाल दिया, अब इसे हम फिट करते हैं। क्रैंक बिठा रहे हैं, इसको ऑयल लगा के तब बिठानी चाहिए। ये हमारी क्रैंक बैठ चुकी है, हम इस पर पैकिंग लगाएंगे। ये आ गई हमारी पैकिंग, चैम्बर बिठाने जा रहे हैं हम। हमारा ये बैठ चुका है, हम इसमें सारा सामान फिट करेंगे। नट बोल्ट लगाते हैं, 8 नंबर के बोल्ट है इसमें। देखो बारिश आएगी, हमारे सारे नट टाइट हो गए। अब हम इसकी छोटी गरारी लगाएंगे इसमें। हाँ यही है, सबलेंडर लिखा हुआ है ना। हाँ वही, अब इसका लॉक लगाएंगे। अब हम इसमें क्लच ब्रेक से डालेंगे, हमारी प्ले नहीं आ रही थी, प्ले डाल दी हमने यहाँ पे।
हमारी प्रेशर प्लेट है, ये हमारी क्लच प्लेट है, ये हमारा क्लच हटा देता। अब हम इसमें पहले तो हमारी ये प्लेट और फिर इसमें हमारी ये सारे टाइट होने चाहिए, ये नट चेंज करो। एक बार नट टाइट हो चुका है, 8 नंबर 10 नंबर ऐसी शांति में तो बोलने का मन ही नहीं करता। टैगिंग बिठा चुके हैं, अब हम इसका पिक्चर लगाएंगे। ये हमारा पिक्चर है, ये हमारे एल्बरिंग, ये हमारे दो ओलरिंग होगी सर, ये हमारे जो ये वाली हमारे प्रेसरिंग होती है, ये हमारी प्रेसरिंग होती है, ये हमारी ओलरिंग और एल्बरिंग है। और ये हमारी आगे की सिलेंडर की टागी है, उषा कंपनी की, उषा कंपनी की। ये आप देख सकते हो अंदर का बोर सबसे एकदम। अब हम इसमें फिट करते हैं, ये हमारी रबड़ गिर चुकी है, तो हम इसे इस साथे से हाथों की साथों से हम लगा देंगे यहाँ पे। बिठा चुके हैं, अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम ऑयल लगाएंगे, पेचकस लगाएंगे इधर से ऑयल। अब हम इसकी किट में भी ऑयल लगाएंगे, सिलेंडर किट बोलते हैं। वीडियो निकाल दो, थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं अपने सपने बन गई थी पूरी। सही बता बनी। अरे देखा, किट बिठा चुके हैं, अब हम पिस्टन टॉप पे लाते हैं, फिर हम इसका हैंडल बिठाएंगे। आए यहाँ पे तो हम इसका हेड बिठाए, पूरा इंजन फिट कर चुके हैं, अब इसे हम चढ़ाते हैं, फिर स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं इसके अंदर आवाज कैसी है। गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं हम, और ये गाड़ी स्टार्ट है, ये आप आवाज सुन सकते हो। हमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया और हमने पूरी गाड़ी फिट कर चुके हैं। लाइक और शेयर जरूर करो और कमेंट जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबा देगा ताकि नोटिफिकेशन भेज आपके पास पहले आ जाए, सबसे पहले।